संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र का वर्णन करें। कार्य क्षेत्र थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ध्यान देने लायक है, क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आइए और देखते हैं इसके आंसर। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र के बारे में समझते हैं और उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र है ये काफ़ी विस्तृत है, लेकिन हम कुछ ऐसे कार्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन करेंगे जिनका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और विशेष हैं। फर्स्ट है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान को 12 क्षेत्रों में विशिष्ट रूप से पहचान दी गई है। पहला है हमारा संज्ञानात्मक न्यूरो विज्ञान, यानी न्यूरो तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के मिलने से एक नए विज्ञान की उत्पत्ति हुई है जिसे हम न्यूरो संज्ञान कहते हैं। इसके बाद न्यूरो मनोविज्ञान या न्यूरो संज्ञान भी कहा जाता है इसे, और संज्ञानात्मक व न्यूरो मनोविज्ञान, न्यूरो विज्ञान तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान विशेषता अस्मृति, संवेदन, प्रत्यक्षण, समस्या समाधान, भाषा संसाधन आदि से संबंधित सिद्धांतों एवं उनके जैविक आधारों की व्याख्या करता है। न्यूरो मनोविज्ञानियों के प्रयास के फलस्वरूप ही स्मृति के प्रकार तथा भाषा संसाधन जैसे संपत्तियों का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से हो पा रहा है। मस्तिष्क का माइक्रोस्कोपिक संरचना विभिन्न तरह के संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं तथा स्मृति, प्रत्यक्षण, समस्या समाधान आदि के से प्रत्यक्ष रूप में संबंध रखते हैं। और दूसरा है इसका प्रत्यक्षण यानी परसेप्शन। दूसरे नंबर आधुनिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में प्रत्यक्षण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें संज्ञानात्मक मनोविज्ञान सक्रिय है। प्रत्यक्षण के क्षेत्र में किए गए प्रयोगों से विभिन्न तरह के संवेदी संकेतों के प्रति मनुष्यों की संवेदनशीलता तथा उन संकेतों की व्याख्या करने का एक अनूठा रंगों के तरीकों का पता चलता। तीसरा है हमारा पैटर्न पहचान यानी पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में पैटर्न पहचान का क्षेत्र महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र है, जिसमें ऐसे मनोवैज्ञानिकों का प्रयोगात्मक अध्ययन काफ़ी किया जा रहा है। व्यक्ति अपने पर्यावरणीय उद्दीपकों का शायद ही कभी कभी एकांकी संवेदी घटना के रूप में प्रत्यक्षण करता है, बल्कि इन उद्दीपकों को वह एक जटिल पैटर्न के रूप में प्रत्यक्षित करता है। इस तरह से पैटर्न पहचान के क्षेत्र में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान द्वारा विशेष तरह का प्रयोग करके उन संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को समझाने की कोशिश की जाती है जिनके माध्यम से व्यक्ति जटिल उद्दीपक पैटर्न को समझता है तथा उसे वर्गीकृत करता है। चौथा है अवधान यानी अटेंशन। अवधान संज्ञानात्मक मनोविज्ञानिकों का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है। व्यक्ति सिर्फ सूचना इकट्ठा करने वाला जीव ही नहीं होता है, बल्कि वह किसी भी समय में बहुत सारी सूचनाओं में से कुछ ही सूचना को चुनकर उस पर ध्यान देने में समर्थ होता है। व्यक्ति द्वारा सूचनाओं को संसाधित करने की क्षमता सचमुच में दो स्तरों पर सीमित होता है। एक है संवेदी स्तर यानी सेंसरी लेवल और दूसरा है संज्ञानात्मक स्तर यानी कॉग्निटिव लेवल। पांचवा है चेतना यानी कॉन्शियसनेस। चेतना से तात्पर्य बाह्य एवं आंतरिक परिस्थितियों के वर्तमान बोध एवं जानकारी से होता है। जैसे यदि आप अभी पढ़ रहे हैं तो सामने दीवार पे घड़ी यदि रात्रि के 10:30 बजे हैं तो आप इस बाह्य उद्दीपक से सचेत हैं और आपके चेतना में है। चेतना का अध्ययन संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इन अध्यायों अध्यायों से व्यक्ति को कई संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है। चेतना का विशेष रूप से अध्ययन करके संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों द्वारा तत्कालिक स्मृति तथा नया उद्दीपक घोषणा स्मृति स्मरण स्पष्ट संज्ञान आदि को समझने में पर्याप्त मदद मिलती है। छठा है स्मृति यानी मेमोरी। स्मृति एक अन्य क्षेत्र है जिसमें संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की सक्रियता रही है। इस मनोवैज्ञानिकों का मत है कि
स्मृति तथा प्रत्यक्षण साथ साथ कार्य करके व्यक्ति के संज्ञानात्मक क्षमता को मजबूत करते हैं। मोटे तौर पर स्मृति के दो प्रकार हैं, लघुकालीन स्मृति और दीर्घकालीन स्मृति। लघुकालीन स्मृति में व्यक्ति सूचनाओं को करीब 20-23 सेकंड तक ही संचित रख पाता है। लघुकालीन स्मृति में ठीक ठाक होने पर व्यक्ति को वार्तालाप में काफ़ी सहूलियत होती है। दीर्घकालीन स्मृति में व्यक्ति सूचनाओं को लंबे समय तक या अस्थायी तौर पर संचित करके रखता है। दीर्घकालीन स्मृति में संचित सूचनाओं के माध्यम से व्यक्ति उचित ढंग से किसी घटना के अर्थगत व्याख्या कर पाता है। सातवां नंबर है चिंतन एवं संप्रत्यय निर्माण, थिंकिंग एंड कंसेप्ट फॉर्मेशन। और इसका जो है चिंतन एवं संप्रत्यय निर्माण दो संबंध क्षेत्र है जहाँ पर संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों की काफ़ी सक्रियता रही है। संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों द्वारा चिंतन को संज्ञान का ताजमणि माना गया है, यानी थिंकिंग इज द क्राउन लेवल जेवल ऑफ द कॉग्निशन। चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से प्राणी विभिन्न तरह की प्रक्रियाओं जैसे निर्माण प्रक्रिया, तर्कना, कल्पना, कला तथा समस्या समाधान के अंतर क्रियाओं द्वारा एक मानसिक प्रतिनिधित्व निर्मित करता है। संप्रत्यय निर्माण या सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति विभिन्न वस्तुओं या विचारों के वर्ग से एक सामान्य गुण का पता लगा सकता है। सो आठवां है विकासात्मक मनोविज्ञान यानी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। विकासात्मक मनोविज्ञान एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें संज्ञानात्मक मनोविज्ञान काफ़ी सक्रिय रहे। विकासात्मक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में किए गए प्रयोगों के अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि व्यक्ति संज्ञानात्मक संरचना किस तरह से विकसित करता है। पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास का संबंध से पता चल गया है कि व्यक्ति का बौद्धिक वर्धन जैविक रूप से निर्धारित होता है तथा दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं द्वारा संचालित होता है। अनुकूल, जिसमें वातावरण के साथ संज्ञानात्मक संयोजन सम्मिलित होता है तथा इसमें आत्मसात्करण तथा समायोजन जैसी प्रक्रिया भी सम्मिलित होती है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएँ होती है, संवेदी, पेशीय, पाक संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल, ठोस संक्रियात्मक यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल तथा औपचारिक संक्रियात्मक यानी फॉर्मल ऑपरेशनल। इसके बाद नौवां नंबर है भाषा। भाषा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के लिए भाषा संचार एक ऐसा तंत्र है जिसमें चिंतन आवाज़ों एवं संकेतों के माध्यम से संचारित होती है। भाषा को अनेक संज्ञानात्मक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण माना गया है जिसमें चिंतन, प्रत्यक्षण, उच्च क्रम संज्ञान तथा संचारी कौशल आदि महत्वपूर्ण है। आरंभ में ब्रोका एवं बर्निक जैसे विशेषज्ञों ने अपने अपने शोधों के आधार पर यह स्पष्ट कर दिया कि बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध कुछ ऐसे केंद्र होते हैं जो संभाषण उत्पत्ति तथा भाषा बोध जैसे महत्वपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। भाषा विकास के बारे में तीन तरह के विचारधारा संज्ञानात्मक मनोविज्ञानों के बीच प्रचलित है। पहली विचारधारा चौमस्की की है जिसके अनुसार भाषा एक जन्मजात एवं सार्वत्रिक प्रवृत्ति है, यानी भाषा जहाँ पर भी आप जन्म लेंगे वहाँ पर भाषा जन्मजात होगी। सबकी भाषा अलग अलग होती है, बोली भी अलग अलग होती है। और दूसरा विचारधारा स्किनर की है जिनका मत है पुनर्बलन के माध्यम से व्यक्ति भाषा को सीखता है, ना कि एक जन्मजात प्रक्रिया होती है। और इनके हिसाब से है कि व्यक्ति जो है पुनर्बलन यानी किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बार 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 उसको पुनर्बलित किया जाता है, फिर वो भाषा को सीखता है। और जो तीसरा है विचारधारा है भाषा विकास जैविक परिपक्वता तथा पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया का परिणाम होता है। बात ये भी सही। और दसवां है ये प्रतिमावली यानी इमेजरी। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के लिए प्रतिमावली एक महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र है।
मानसिक प्रतिमावली को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है किसी अनुपस्थित वस्तु या घटना या मानसिक चित्रण करना ही मानसिक प्रतिमावली कहलाती है। प्रतिमावली की व्याख्या करने के लिए दो तरह के चित्रण का वर्णन किया गया है, प्रत्यक्षण चित्रण या इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन तथा लाक्षणिक चित्रण यानी एलगोरिकल रिप्रेजेंटेशन। सच्चाई यह है कि मानसिक प्रतिमावली का अध्ययन इस तथ्य से संबंधित है कि स्मृति में सूचनाओं का चित्रण किस तरह से होता है। इस तरह के अध्ययन से संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक व स्मृति का स्वरूप समझने में मदद मिलती है। स्मृति सूचनाओं में कूट संकेतिक प्रकल्पना के चित्रण से संबंधित अध्ययनों के परिणाम स्वरूप एक महत्वपूर्ण प्रकल्पना उभर कर लोगों के सामने आया है जिसे द्वैकूट संकेत प्रकल्पना कहा जाता है। इसके अनुसार सूचनाओं को स्मृति के शाब्दिक तथा काल्पनिक में से किसी एक रूप में दोनों ही रूप में संचित किया जा सकता है। व्यवहार तथा तंत्रिकीय आंकड़े इस दावे का समर्थन करते हैं। 11 नंबर है ज्ञान का निरूपण। इस तरह के संज्ञान के लिए ज्ञान का निरूपण को संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों द्वारा महत्व दिया गया है। ज्ञान के निरूपण से तात्पर्य इस बात से होता है कि सूचना का संकेतीकरण किस तरह से होता है और मस्तिष्क में संचित सूचनाओं के साथ वे किस तरह से संयोजित होती है। संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों का मत है कि इस तरह के संज्ञान के दो पहलू होते हैं, मन में ज्ञान का संप्रयात्मक संकेतीकरण तथा वह तरीका जिसके माध्यम से सूचनाएं मस्तिष्क में संचित होती हैं। और 12 नंबर यानी अंत है वो है मानव बुद्धि या कृत्रिम बुद्धि, ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस HI या फिर AI। मानव बुद्धि एक प्रमुख संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसमें कई तरह के मानसिक क्षमताएं सम्मिलित होती हैं। सचमुच में एक सार्वभौम क्षमता यानी ग्लोबल कैपेसिटी है, इसके माध्यम से व्यक्ति अपने वातावरण के साथ समायोजन करता है तथा विवेकशील चिंतन करता है। सचमुच में मानव बुद्धि ठोस एवं अमूर्त संपत्तियों को समझने, विचारों और वस्तुओं के संबंध को समझने और ज्ञान को अर्थपूर्ण ढंग से उपयोग करने की क्षमता इसमें होती है। तो ये था हमारा मनोवैज्ञानिक का क्षेत्र, मनोविज्ञान संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का क्षेत्र, और क्षेत्र 12 भाग में बटे हुए थे और हमने इसको पढ़ा। उम्मीद है कि आने वाले समय में ये काफ़ी ज़्यादा आपके उपयोग में आने वाला।